अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नौरीन मेमन। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची में ओमिक्रॉन केसेस की शरह 8.9% है। ओमिक्रॉन के केसेस हर जगह से आ रहे हैं। वैक्सीन शुदा अफराद भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि ओमिक्रॉन के केसेस हर जगह से आ रहे हैं, वैक्सीन शुदा अफराद भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि सेहत कार्ड के हामिल अफराद कराची समेत मुल्क के किसी भी शहर में खुसूसी निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि मखसूस अस्पतालों में इलाज करवाने वाले मरीजों का इलाज के रकम के लिए अदायगी नहीं करानी, अस्पताल और हुकूमत का मुकर्रर करदा महकमा खुद मामला तय करेगा। पाकिस्तान में कोरोना की पांचवी लहर की तस्दीक, सख्त इकदाम लेने का फैसला हो गया। कराची में ओमिक्रॉन जंगल में आग की तरह फैल रहा है। कोरोना की पांचवी लहर का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा, फरवरी में कोरोना की पांचवी लहर का खदशा। पाकिस्तान में कोरोना की पांचवी लहर की तस्दीक करते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि ओमिक्रॉन के केसेस हर जगह से आ रहे हैं। कराची में मस्बत ओमिक्रॉन वेरियंट केसेस की शरह 8.9%, जबकि लाहौर और पेशावर में 2.2% है। मोमिन खुसूसी का मजीद कहना था कि वैक्सीन शुदा अफराद भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं, लेकिन शरह कम है। NCOC के इजलास में मौजूद सूरत हाल का जायजा लिया गया है। ये थी अब तक की खबरें। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए हादिज़ न्यूज़।